सब सेकेंडरी हैं आज के टाइम में। आशिकी बहुत पहले मैंने की, मैं आज भी बात में कोशिश करता हूँ, जैसे है ट्राई टू डू दैट, बट क्या हो गया है समटी बहुत पहले से इस मेरे को उस टाइम की समझ में नहीं आया था, जैसे जैसे ऐसा ही होना चाहिए, जैसे लोगों के साथ मैं करना चाहूँगा, जैसे मैंने कुछ किया मैंने कुछ करे मैंने उसको मैंने किया एंड थैंक यू कि ये सब चीज़ें होने लगा है एंड नाउ यहाँ से लड़ने मैं जाऊँगा चार चीज़ों इकट्ठा करके मैं सब चीज़ें करूँगा एंड मेलबर्न में भी मैं जाने वाला हूँ। राहुल से ये कहना चाहूंगा कि आप हेल्थ इश्यू फेस किए फिर भी आपने कमबैक किया है। इक्कीस साल हो गया मेरे को और मैं ये बार चीज हर चीज मेरे को करना पड़ता है, इन चीज़ों को मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, जैसे जो लोग मेरे को करना चाहते हैं आई डेफिनेटली वॉन्ट दैट, और जितने लोग मेरे को डेफिनेटली मेरे को करते हैं तो आई विल डेफिनेटली डू दैट, बट कुछ लोग हैं जो मेरे बार बार मेरे को कुछ चीज़ करना चाहते हैं हटा देते हैं। सर बॉडी टू सर राहुल सर के साथ जो आपका हुआ है कोलैबोरेशन क्या कहना चाहेंगे? प्यार था बेटी का, जो प्यार था बताते प्यार मिल के आगे बढ़ाना चाहिए, सबसे पहले हमारे ईपी साहब हैं नसीम अंसारी जी, उसे भी वो मेरे अच्छे उन्होंने जिया सर से हमारी कोई स्टोरी सुन रही लव स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी है हमारी, फिर हमने पूरी कास्टिंग जो चलता है मूवी चलती है सॉन्ग्स अच्छे होने चाहिए कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए हर चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है, हमने राहुल जी थोड़े ये कि भाई उनकी जो सिकनेस से उभर के अभी बाहर आए तो वापिस हमको ऊपर लाना है, हम कैसे भी मिल गई मिलास को पूरा करना है वहाँ तक पहुँचना है, तो ये जो स्टोरी है इतनी अच्छी स्टोरी है, फिर हमने पहले कास्टिंग चुनी, कास्टिंग के बाद में हमने फिर सॉन्ग के लिए पलक मुचल के भाई प्लास मुचल जी से बात करी, उनको बोला म्यूज़िक दे देंगे, हमारा म्यूज़िक अच्छा होगा हमारी स्टोरी अच्छी होगी बस, और आप लोगों का प्यार मोहब्बत से हम आगे बढ़ेंगे, आज जो माहौल दिख रहा है वो आपकी वजह से हम बढ़े हैं बस, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है ना, मीडिया आदमी को कहाँ तक ले जाती है हमको भी पता है और मीडिया गिरा भी देती है, तो मीडिया के सामने हम सब पेश करेंगे सब काम सही है और अच्छा करेंगे तो आप हमको कुछ सवाल जवाब कर सकेंगे, तो हमारी यही है कि हमारी स्टोरी अच्छी है हमारी चलेगी, ऑडियंस को आज थोड़ा माहौल बहुत करोड़ों बहुत महंगी पिक्चर भी बनती है कभी फ्लॉप भी होती है, तो हम ये चाहते हैं कि पिक्चर एकदम लेवल की हो, कि मतलब ऑडियंस को कैसे थिएटर तक आने के लिए हो ऐसी पिक्चर हम बनाएंगे, और हमने कास्टिंग भी चुनी जो जान खान है रियल में एक्टर दिखते हैं, उन्होंने टीम में ज़्यादा काम किया है फिर भी हमने उनको हीरो के तौर पर पेश किया, तो उन्होंने भी बोला कि हम जान लगा देंगे, हमारा नाम ही उनका जान खान है जान लगा देंगे। लास्टली ये जानना चाहूँगा कि OTT रिलीज करने का प्लान है या बड़े पर्दे पर लाने का प्लान है? बात बताएं क्योंकि एक बार रिलीज हो जाएगी ना सर, रिलीजिंग के पहले हम आपको जरूर वापस बुलाएंगे, आपके साथ एक कॉन्फ्रेंस होगी हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, बस अभी फर्स्ट हमारा जो टारगेट है बहुत अच्छी मूवी, और आपका आप सब लोग का
सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। सर पुराने दोस्त रह चुके हैं, जब मतलब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था तो ये बहुत मॉडलिंग में मतलब बहुत ऊपर थे, तो हम बच्चे थे तभी, तो आई नो हिम सिंस देन, सिंस माय मॉडलिंग डेज, सिंस आई 16 इयर्स ओल्ड। सो ही इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड एंड वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई नो, बहुत ही मतलब बहुत प्यारे इंसान हैं, एंड मैं उनके साथ बहुत इवेंट्स वेंट्स करती रहती हूँ और हम हमेशा टच में रहे हैं, दोस्त हैं, तो उनकी प्रोजेक्ट उनका प्रोजेक्ट है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, घर का प्रोजेक्ट है। मैम क्या कहना चाहेंगे राहुल सर के बारे में एज अ प्रोड्यूसर? जैसे उन्होंने कहा बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उसका कभी हाथ में आशो क्योंकि आज के मैंने पता नहीं पहले बात देखी थी उसमें, और चूँकि जो गाने थे जो जैसे मैंने बहुत पहला उठा है, ऋषि बहुत बेस्ट मैं चाहती हूँ कि राहुल जी अच्छी, राहुल जी के लिए अच्छे के मेहनत करके अच्छे फिल्म। और आज के टाइम में OTT या इवन बड़ी फिल्म है वुमेन ओरिएंटेड फिल्म में जो बन रही, कितनी अच्छी बात है, कितना पॉजिटिव साइन है, खासकर फीमेल आर्टिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी बात तो है ही, वरना विमेन वर लाइक एक्सेसरीज के जैसे पूरी पिक्चर आदमी का इंसान है और बुंदे डाल दिए छोटे वो औरत होती थी पिक्चर में, मतलब या तो झाड़ के आस पास उनको नचा दो, शॉर्ट स्कर्ट पहना दो, या यू नो इन्होंने तो फिर भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं बोलूँगी सरीना जी ने जितना जितने अलग अलग तरीके के रोल्स किए हैं तो कि हमें भी अभी बिकॉज ऑफ OTT हो सकता है वी गेट अ चांस टू यू नो डू दोस काइंड ऑफ। अभी आपने कहा था कि फिल्में नहीं चल रही, लोग आ नहीं रहे, थिएटर नहीं आ रहे हैं, तो वो कितना एक नेगेटिव है और क्या होना चाहिए उस चीज़ के लिए? काफ़ी चेंज तो हो गया है, लेकिन लोगों को आजकल जब से ये लॉकडाउन की वजह से लगता नहीं मैम आपको कंटेंट की वजह से नहीं चल रही, बड़ी पिक्चरें फ्लॉप हो रही, छोटी पिक्चरें बनेंगे, हम लोग जरूर अच्छे 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 दिन वापस आएंगे। लगता है कि प्यार वाला जो शब्द है ना वो कभी ख़त्म तो होना है, चाहे वो 2050 हो या उससे भी आगे दुनिया जब तक है एग्जिस्टेंस में प्यार तो रहेगा। लेकिन कुछ सालों में लोगों का जो नज़रिया है फिल्मों के प्रति कंटेंट एक अलग तरीके से देखते हैं वो, मुझे लगता है कि कंटेंट का ना आप जॉनर की बात ना करें तो बेहतर कंटेंट लोग ढूंढते हैं, वजह ये है OTT आने की वजह से हाथ में ना पूरी दुनिया की फिल्में, चाहे ईरानियन या बॉलीवुड तो लोग देखते ही थे लेकिन पूरी दुनिया की फिल्में ना हमारे हाथ में, बहुत खूबसूरत फिल्में, कोरियन है, ईरानियन है, बहुत अच्छे फिल्म मेकर से बड़ी खूबसूरत फिल्में बना रहे हैं, तो कंटेंट का एक तरह से यहाँ पर भरमार आ गया है, तो आपको चुनना पड़ेगा कुछ खूबसूरत से कंटेंट, कल चलेगी, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपने टीवी शो किया है, पॉपुलर टीवी शो किया, क्या करते हैं कि टेलीविजन आर्टिस्ट को फिल्म में ब्रेक मिलना कितना ज़रूरी है और कितना अच्छी बात है? आजकल काफ़ी सारी आर्टिस्ट हैं, फीमेल आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वो उसके बारे में क्या करेंगे आप? टीवी और फिल्म में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट इज फ्रॉम एकता कपूर मैम शो बालाजी। सो और जो मैंने शो किया है वो बहुत टिपिकल टीवी शो नहीं था, जैसे सीजन टू ऑफ अ वेरी वेरी बिग शो, कल्ट शो, बड़े अच्छे लगते हैं, तो आई वॉज ऑनर्ड, आई हैड अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मुझे उस शो का हिस्सा होने का मौका मिला। और डेफिनेटली हर एक एक्टर जो एक्टिंग के लिए जो पैशनेट होता है, जिसको एक्टिंग से प्यार होता है, उसका अल्टीमेट गोल होता है कि उसे फिल्म करना है, सो दैट्स हाउ वी एक्टर्स थिंक कि हमें फिल्म करनी है, बॉलीवुड फिर हॉलीवुड फिर टॉलीवुड, सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ गुड्स। सो आई थिंक मेरा तो डेस्टिनी था कि मैं सर के साथ जुड़ू और ये फिल्म करूँ बिकॉज मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में फाइनलाइज हुई उस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे लगता है कि ये होना था शायद, इसलिए मैं कल ही मतलब एक दिन पहले हिस्ट्री आई गॉट फाइनलाइज फॉर इट, एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ सॉफ्ट हार्ट, सच अ सॉफ्ट एंड सूदिंग एंड सच अ गुड जॉनरी विच इज़ लाइक अ रोमांटिक फिल्म। सर ये भी जानना चाहूँगी राहुल सर एज एन एक्टर एज अ प्रोड्यूसर, तो एक आम प्रोड्यूसर से एक एक्टर प्रोड्यूसर अगर होता है तो कितना बेहतर होता है ये बात, क्योंकि वो उसको फिल्म मेकिंग के क्या होता है कि कोई एक्टर अगर प्रोड्यूसर बनता है तो उसको फिल्म मेकिंग के सारे पहलू से खुद ही गुजर चुका होगा, उसने भी अपने वक्त में प्रोड्यूसर्स को परेशान किया होते हैं, डायरेक्टर को परेशान किया होता है, सारा उनको एक्सपीरियंस है, तो डायरेक्टर के लिए बहुत आसान रहता है क्योंकि उनको पता होता है कि क्या होना है एक्जैक्टली, डायरेक्टर के पास सिर्फ अपना काम करने के लिए होता है, बाकी वो फिल्म।
समथिंग ऑन द शूटिंग शेड्यूल, क्या कब शुरुआत होने वाले, कब आने, कब तक आएगा पर्दे पे, अगर पर्दे पे आएगा ओटीटी पे आएगा, कुछ प्लान है इस चीज़ को लेकर? पर्दे पे अभी तो हमारे साथ एक ओटीटी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके डिजिटल राइट्स मैंने खरीदने को तैयार है, डिजिफ्लिक्स नाम है। उसके अलावा शूट की जहाँ तक बात है, हम लोग का प्रोसेस में है, पहले शुरुआत कर रहे हैं लंदन से, वीजा प्रोसेस में है, जैसे ही क्लियर होगा हम लोग अनाउंस कर देंगे, और अगर चाह तो अगले एक से डेढ़ महीने के अंदर। And besides this, any other project you're working in or looking for any project? Right now, मैंने अभी web series complete की, that's all. देखो, राहुल जो है, कि ये पहली फिल्म ऐसे प्रोड्यूसर, आप सब जानते हैं कि वो पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी, आज तक यादगार फिल्म है, तो मुझे ऐसा लगता है और मेरे दिल से दुआ है कि ऐसे प्रोड्यूसर की जो पहली फिल्म रही है, याद हो गया, ये उतनी बड़ी हिट हुई। सर आप से चाहूँगा क्या करना चाहेंगे, बिग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड बीइंग अ लीड? सर जैसे कि मैंने बोला पहले भी, फिर वापस रिपीट करता हूँ कि एक्टर के लिए हम दिन रात जो मेहनत करते हैं वो इसी पल की मेहनत करते हैं कि आप सब हमारे सामने हो, हमसे ये सवाल किया जाए कि आपको लीड हीरो में सर कास्ट किया गया और आपको कैसा लग रहा है? फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ, आई फील ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी दैट मशहूर द लेजेंड हमारी इंडस्ट्री के भूमि जाफरी सर इज हियर विद आस, उनकी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिन है और मैं ये दिन अपनी जिंदगी का भूल रहा हूँ। आई फील रियली ग्रेट एंड आई फील ब्लेस्ड बेसिकली। बट रूमी सर, ब्रिंगिंग अ फिल्म इन टुडेज़ टाइम, कितना आप रिस्क फैक्टर मानते हैं, क्योंकि आज का दौर आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिल्मों का बिजनेस हो रहा है और थिएटर्स में लोगों का आना लगभग ना के बराबर, तो वो बताइए वो कितना? रिस्क तो हमेशा फिल्म बनानी अपने आप में रिस्क है, तो आज का दौर हो चाहे पुराना दौर, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी भूल नहीं आई, उसने ही साबित किया कि ऐसी बात नहीं कि थिएटर में लोग नहीं आए, या उससे पहले लॉकडाउन के दौरान वो ही आई थी जानवी, उस टाइम पे चल गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म जो आई थी लोग देखेंगे, हिंदी में लोग ने साउंड की डब फिल्म देख ली, इसका मतलब कि थिएटर में लोग आना चाहते हैं, बशर्ते पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो मजबूर करें इंसान को कि वो अपना घर से लैपटॉप टीवी ओटीटी छोड़ के निकल के आए और थिएटर में आते हैं। बट लास्टली ये जानना चाहूँ कि ओटीटी का जो चलन है, ये क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव चीज़ है या फिल्म का बिजनेस जो हार्म हो रहा है ओटीटी की वजह से हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न? मैं आपको बताऊँ, मेरा काफ़ी बहुत तजुर्बा हो गया, 35 साल हो गए इंडस्ट्री में, शुरू में हमने देखा जब VHS आया तो लगा अरे बाप रे लोग घर में पिक्चर देखेंगे, इंडस्ट्री खत्म हो गई, थिएटर में काट डाली तो कुछ नहीं हुआ, फिर TV आया, अरे लोग घर में बैठ के TV देख रहे हैं, चैनल खो जाएंगे, थिएटर का बिजनेस और बढ़ गया। उसके बाद LD आया, DVD आया, सब कुछ आया, अब OTT आया, मुझे नहीं लगता कि थिएटर के बिजनेस भी कर सकता। अभी आपने लुक्स के बारे में बात की थी और दूसरी बात इंडस्ट्री में होती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फिल्मी बैकग्राउंड है या नहीं है, वो आप क्या मानते हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है व्हेन यू आर यू नो इंडल्जिंग इन अ प्रोजेक्ट, जब आप प्रोजेक्ट पाते हो या आपको आगे जो होता है आपका सफर? फिल्मी बैकग्राउंड ऐसे लाइक मेरे कोई गॉडफादर इंडस्ट्री में, सर गॉडफादर तो नहीं, जैसे मेरी इंस्पिरेशन है रूमी जाफरी सर, मैं अगला कुछ बोलना चाहता हूँ उससे पहले, जिसके लिए मैं यहाँ हूँ, क्या है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे किस बात की है, इस बात की है कि मैं और ये शहर एक ही शहर से आते हैं, भोपाल से, और मैं भी जब बॉम्बे आया 80s में तो कुछ नहीं आता था, किसी को नहीं आता था, लेकिन तो फोकस था ऊपर वाले साथ दिया और जो भी आज यहाँ बैठा हुआ, इसकी भी खासियत यही है कि ये बॉम्बे आया, इतना काम कर लिया लेकिन मुझसे नहीं मिला, आज जब ये बन गया तब मुझसे मिला, तो इसको मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ और इससे ये कॉन्फिडेंस बताता है कि अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है और ये कॉन्फिडेंस को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ वेरी बिग थिंग आपने ये बोला, तो ये मैं बोलूँगा कि जैसे आपके शहरों से, हमारे मुल्क से जब लोग निकलते हैं, जैसे हमारे शहर से भी सर, जब हम बड़े होते हैं तो देख के होते हैं आप किसी को, यू लुक अप टू समवन कि मुझे आई वुड बी लाइक देम, यू नो वो खुद निकले अपनी मेहनत से आगे बढ़े, नाउ यू नो इज मेड इट बिग, इज मीटिंग ऑल द बिग पीपल, वर्किंग विद ऑल द बिग पीपल फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू सलमान खान, एवरी वन इन दैट टू दे रिस्पेक्ट हिम, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, एंड इस चीज़ में हमेशा मुझे सर ने इंस्पायर किया है मेहनत करने का, और मैंने हमेशा मेरे दिल में ये डाली थी कि कुछ थोड़ा बहुत भी अगर बन जाऊँगा, जहाँ रूमी सर मुझसे बोले कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, जस्ट कीप डूइंग इट, सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। बड़ी बात है, स्पेशली एक इन्फ्लुएंसर, पहले तो हम टिकटॉकर थे,
फिर उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़े, इंस्टाग्राम पे आया, फिर यूट्यूब पे आया, और आज यहाँ पे आके बहुत खुशी है. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. नेवर एक्सपेक्टेड कि आप जब एक नॉर्मल चीज़ करते हो और आपको सडनली आपके मेहनत के बाद इतनी बड़ी चीज़ मिल जाती है. तो आई थैंक गॉड एंड एवरी वन कि इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए. एंड टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू गाइस. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जान. जान यूज टू वॉच ऑल माई रील्स, माई वीडियोज. या तो एक दिन ऐसे आया कि ही मैसेज एंड ही कॉल एंड देन ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा ठीक है चलो देखते हैं. एंड देन आई एम हियर. तो वो बात बहुत कहाँ से कहाँ पहुँच गई जिस वन डी एम पे. तो थैंक यू जान. आई एम नॉट 90s बेबी, बट ऑफकोर्स आई हैव सीन हिज फिल्म. और मैंने एक और फिल्म देखी है जो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी, जिसमें वो टाइगर बन जाते हैं. आई थिंक हम सबकी वो एक फेवरेट मूवी थी जिसमें वो टाइगर बन जाते हैं. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट मूवी. और या आई लव हिज मूवी. इवन आशिकी वॉज ग्रेट. आज के टाइम पे इफ़ यू सी माई फ्रेंड्स, लाइक किसी ने झलक किया और कोई खतरों के खिलाड़ी कर रहा है, टुडे आई एम डूइंग अ फिल्म, तो हम लोग सब लोगों ने काफ़ी सालों की मेहनत करके आज हम यहाँ आए, तो वो बहुत बड़ी बात है. आई एम वी आर वेरी हैप्पी. थैंक यू जी. सर फॉर मी एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, हम सब एक हैं सर. मैं टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने कभी इसमें डिफरेंसेस किए नहीं है, बिकॉज वो भी एक कैमरे के सामने एक्ट कर रहे हैं, हम भी एक कैमरे के सामने एक्ट कर रहे हैं. वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं. हम सारे एक्टर्स हैं, हम सारे आर्टिस्ट. फॉर मी वी ऑल आर आर्टिस्ट. इट्स अ क्रिएटिव वर्ल्ड, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड. वी ऑल आर इनटू वेरी क्रिएटिव एनर्जी. तो विथ मी सर, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अच्छा आप इन्फ्लुएंसर्स हो, आप बहुत बड़े मूवी स्टार हो, या आप टी वी के एक्टर हो. फॉर मी एक्टर इज एन एक्टर. इन्फ्लुएंसिंग में जब वो वीडियो बनाती है इतनी खूबसूरत खूबसूरत, कुछ कुछ ऐसे शॉट्स लेती है कि शायद मैं ज़िंदगी में ना कर पाऊँ, बीइंग एन एक्टर, जो भी आप बोलें. सो फॉर विथ मी, फॉर मी एवरी वन इज़ इक्वल.